जी सर, मेरा सवाल ऐसा है सर कि कभी जमात के लिए मस्जिद जाते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग जो खड़ नहीं पाते या फिर बुजुर्ग लोग होते हैं वो बीच में सफ में जगह बहुत बची होती है जैसे, फिर भी चेयर पे जाके आखिर में पढ़ते हैं, जो सबका कोना होता है वहां पढ़ते हैं, तो या फिर जो लेट के नमाज पढ़ने वाले होते हैं वो आखिर में जाते हैं, तो ऐसा करना सही है क्या? जैसा कर हाँ देखिए, एक तो ये है कि सफ में वो जाकर के किनारे बैठे और वो देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं मस्जिद में, जो पीछे लोग आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, अभी सब मुकम्मल हो जाएगी। अगर इस सूरत में वो बैठ रहे हैं तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जा करके अलग थलग नमाज पढ़ें और एकाध रकात या चंद मिनट तक उनको अलग अकेले बैठना पड़े, तब ये दुरुस्त नहीं है तरीका। अगर उनको थोड़ी देर भी अकेले नमाज पढ़ना पड़ रहा है सबसे अलग हो करके, तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अगर लोग साथ में, बहुत सारे लोग दाखिल हुए, वो कुर्सी लेकर के किनारे चले गए ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो, तब इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर उनको थोड़ी देर अकेले होकर के नमाज पढ़ना पड़ रहा है तो ये तरीका सही नहीं है। उनको कुर्सी लेकर के दरमियान में ही कुर्सी रख करके बैठना चाहिए, कोई हर्ज की बात नहीं है इसमें।